होली के दिन कुछ कारणों से खामगांव में दो गुटों के बीच पथराव की आंधी चली। इस मामले में खामगांव पुलिस ने 76 लोगों के खिलाफ दंगा करने का मामला दर्ज किया है। इस पुलिस के रुख पर नाराजगी जताते हुए भाजपा विधायक ने खामगांव शहर को बंद करने का आह्वान किया है। खामगांव शहर को बंद करने की भाजपा विधायक की अपील के बाद आज सुबह से खामगांव शहर को पूरी तरह बंद कर दिया गया है। साथ ही विधायक फुंडकर ने मांग की है कि गणेश उत्सव के दौरान खामगांव शहर के 3 पुलिस अधिकारियों को जिले से बाहर भेजा जाए। विधायक ने गंभीर आरोप लगाया है कि पोला के दिवस पर हुए पथराव के लिए खामगांव शहर में आज सख्त कर्फ्यू का पालन किया जा रहा है और विभिन्न स्थानों पर पुलिस व्यवस्था की गई है। इस बीच विधायक, उनके कार्यकर्ता और बोर्ड के पदाधिकारी शहर का चक्कर लगाकर दुकानें बंद रखने की अपील कर रहे हैं। आज आम्ही सर्वांनी मिळून पुकारलेल्या बंदला खामगावकरांनी 100% प्रतिसाद दिला। आज खामगाव शहर 100% बंद आहे, त्याबद्दल मी सर्वप्रथम खामगावकरांचे खूप खूप आभार मानणार आहे, सर्व व्यापाऱ्यांचे आभार मानणार आहे, सर्व संघटना, सर्व गणपती उत्सव मंडळ, सर्व व्यायामशाळा, सर्वांनी जो प्रतिसाद दिला, जो पाठिंबा दिला, त्याबद्दल मी सगळ्यांचे विशेष करून आभार मानतो। आणि आज तरी एवढा 100% प्रतिसाद, एवढा 100% बंद पाहून बुलढाणा जिल्ह्याचे पोलीस अधीक्षक चावरिया साहेब यांचे डोळे उघडले पाहिजे। या तीनही अधिकाऱ्यांवर यांनी तात्काळ कारवाई केली पाहिजे, निर्दोष युवकांवरील गुन्हे मागे घेतले पाहिजे आणि या 3 अधिकाऱ्यांना गणपती उत्सवात इथे राहू द्यायला नको असे आदेश त्यांनी काढले पाहिजे। हा माझा त्यांना सवालही आहे, ही माझा इशाराही आहे आणि माझी विनंती आहे। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com।